to subscribe! हम स्टेशन पहुंच गए। मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टीटी पो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। मस्ती में चलती रहे छोटी रेल चिची पो, चिची पो, चिची पो, चिचिली चिची पो, पटरी पे चलती रहे चिचिली चिचिली चिची पो। होई मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगे ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। मैं टीवी पर दिखना चाहता हूँ। जूजू टाउन में एक नई सुबह। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटीपो, आज काम पूरा करके सीधा घर ही आना। क्यों? टीवी वाले सभी ट्रेन्स का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो एक सबसे अच्छी ट्रेन चुनेंगे। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी पर आऊंगा? हाँ बिल्कुल, दूसरी रेल भी जल्दी घर आ रही है, इसलिए लेट मत होना। नहीं होऊंगा, अब मैं काम पर चलता हूँ। टीवी पर देखने की बात सुनकर टीटीपो बहुत उत्साहित है। मिलिए दुनिया की बेहतरीन रेल टीटीपो से। सबको मेरा हेलो। सबका दोस्त, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने वाला सबसे मेहनती टीटीपो, सबसे अच्छी ट्रेन का इनाम इसे ही मिलना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। टीवी पर आने के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा। सभी को हेलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुझे चाहते हैं। टीटीपो। हाँ? तुम अब तक जा क्यों नहीं रहे हो? माफी चाहता हूँ। काम के समय सपने मत देखा करो, अपने काम पर पूरा ध्यान दो। जी सर। लगता है टीवी के लोग पहुंच चुके हैं। तैयार, स्टार्ट। आपका स्वागत है, आज हम मौजूद हैं चूचू शहर में, और मेरे साथ है चूचू शहर के ट्रेन मास्टर। ट्रेन के बारे में बताइए सर। आप सभी को हेलो। बहुत सी रेलों में चूचू शहर, मेरा मतलब है चूचू शहर में बहुत सारी रेल रहती है। मिस्टर हर्ब, क्या? आराम से बोलिए, घबराइए मत। अच्छा ठीक है। अब हम इस शहर की दो रेलगाड़ियों के घर में हैं। दिन भर हम रेलगाड़ियों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम इन दो रेलगाड़ियों से मिलेंगे। हेलो, क्या आप अपने काम के बारे में बताएंगे? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, उधर देखिए, कैमरा उधर है। सभी को हेलो, हम दोनों यहाँ की सर्विस रेल हैं। हम मुसीबत में ट्रेन्स की मदद करते हैं। वाह क्या बात है, अरे आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं हूँ सर्विस रेल फिक्स। और मैं हूँ उसका साथी बेहतरीन लेव। बुया, बुया। क्या आप सुनना चाहेंगे हमारा रैप? हमारा एक खास रैप है जिसे हम काम पर जाते वक्त गाते हैं। चलिए सुनाइए। फिक्स फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। एक मिनट जी, खदान में एक दुर्घटना हो गई है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। सुनो लिफ्ट, हमें जल्दी चलना है। ठीक है। क्या आपको अभी जाना होगा? हाँ, हम आपको रैप अगली बार सुनाएंगे। हम माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चलो चले। हम स्टेशन पहुँच गए।
मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टीटी पो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझकर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। मस्ती में चलती रहे छोटी रेल टिटी पो। टिटी पो टिटी पो टिटिली टिटी पो। पटरी पे चलती रहे टिटिली टिटिली टिटी पो। होई होई। मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगी ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। ये मेरा फर्ज है। टिटीपो, टिटीपो। जीनी वापस चूचू शहर आ गई। मैं काम करके आ गई। क्या हम बात कर सकते हैं? बात? क्या हम आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? जरूर। मिलिए छोटी रेल से जो अभी अभी काम से लौटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनी, एक पैसेंजर ट्रेन। तुम अभी काम से लौटी हो और फिर भी इतनी साफ और चमकती हुई? क्योंकि मैं यात्रियों को लाती ले जाती हूँ, मुझे साफ रहना ही चाहिए। जीनी। जी सर। एक मेहनती मालगाड़ी अभी अभी काम से लौटी है। ये है जी सर। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर ये कैमरा क्यों लगा रखा है? जी सर, ये हमारी फिल्म बना रहे हैं। क्या, हमारी फिल्म बना रहे हैं? आज मैंने खदान में काम किया इसलिए मैं बहुत गंदा हूँ। इससे साबित होता है कि तुम मेहनती हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे मालूम था आप भी यही बोलेंगी। अच्छे लग रहे हो। बाय टीटीपो। बाय बाय। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो जी, कहिए मिस्टर हब। तुम हो कहाँ? मैं अभी स्टेशन पर हूँ, अब शहर आ रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक रेल खराब हो गई है, वहाँ जाकर तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज? तो फिर क्या होगा इंटरव्यू का? सबसे पास तुम ही हो, इसीलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। अगर मैं टीवी वालों से मिलकर बातें कर पाता तो कितना मजा आता। लेकिन साथ ही रेल की मदद करना ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और इंटरव्यू लेने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने आज काफी इंटरव्यू कर लिए हैं। तो क्यों ना हम दूसरी रेल गाड़ियों से भी बात कर लें? तो फिर चलो। ट्रेन चलनी कब शुरू होगी? मैं माफी चाहता हूँ। मदद के लिए मैं आ गया। ओ, कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी यात्रियों को मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया टीटीपो। फिक्स और लिफ्ट यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, अब ये रेल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए रुको। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। देखो तुम चले मत जाना। अभी नहीं चलूँगा, अगर अभी चल पड़ा तो दादाजी घर नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से तब चलेंगे जब ये वृद्ध व्यक्ति चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं।
आखिरकार काम पूरा करके टीटी पो वापस शहर पहुंच गया। अरे दोस्तों, कहाँ है टीवी वाले? वो तो चले गए। अब तो शो शुरू होने वाला है, मजा आएगा। हम सब एक साथ देखेंगे, जल्दी आ जाओ। इंतजार नहीं हो रहा। अफसोस, मैं उसमें नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, टीटी बहुत दुखी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये कब शुरू होगी? बस थोड़ी ही देर में। हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा। हेलो। हाँ, ये शुरू हो गया। ट्रेन के बारे में बताइए सर। मिस्टर हब बोल रहे हैं। वाव, कैसे बोल रहे हैं मिस्टर हब? वो थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं। अब हम सबके इंटरव्यूज आएंगे। आप सभी को हेलो, मेरा नाम है सिंह सिंह। मैं यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित यात्रा कराती हूँ। वाह, क्या बात है। चूचू शहर की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। ये है जुड़वा मालगाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैनी। और मेरा नाम है बर्नी। वाह, बढ़िया। आगे मिलते हैं एक छोटी रेल से जो अभी अभी लौटी है। छोटी रेल गाड़ियाँ अपने आप को टीवी पर देखकर बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था ना? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैं टीवी पर नहीं आया। देखो टीटी पो। एक रेल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बहुत से यात्री स्टेशन पर ही फंस गए हैं, लेकिन एक छोटी रेल पहुंच गई है उनकी परेशानी दूर करने के लिए। आपका स्वागत है। हम तब चलेंगे जब ये चढ़ जाएंगे। टीटी पो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस रेल की वजह से सबसे अच्छी रेल तुम ही हो टीटी पो। शुक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं यात्रियों का क्या कहना है। तुमने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं सुरक्षित घर पहुंच पाया। धन्यवाद टीटी पो। टीटी पो ने मेरे लिए गाना गाया। टीटी पो, टीटी पो, टीटी टीटी पो। ओ, ये तो वो बच्चा और दादाजी हैं जिनकी मैंने मदद की थी। तो ये रेलगाड़ियाँ इसी तरह हर रोज मेहनत करती हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो, इसलिए इन सब का शुक्रिया। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सबका शुक्रिया। तुम कमाल के हो टीटी पो। हाँ, मैं तो तुम्हें ही देखती रह गई। तुम सबसे अच्छे हो टीटी पो। सच कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया दोस्तों। टीटी पो शो में आ ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो टीटी पो। मैं बहुत खुश हूँ मैं टीवी पर आया। टीओ के लिए तोहफा। छोटी रेलगाड़ियाँ गार्डियन एक्स देखने के लिए इकट्ठा हुई। हाँ? क्या बात है? बहुत बढ़िया, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाय दोस्तों। हेलो एरिक। कहाँ से आ रहे हो तुम? मुझे एक मेहमान को लेने जाना था। मेहमान? कौन एरिक? टाडा, सरप्राइज दोस्तों। ओ, टियो? आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो टियो? क्या कोई रेल खराब हो गई? नहीं जीनी, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पर गार्डियन एक्स का शो देखने आया हूँ। टियो, क्या तुम भी गार्डियन एक्स देखते हो? हाँ, खास तौर पर तब जब उसमें सुपर जी भी आए। सुपर जी? ओह, तुम लोग अभी ये नहीं जानते होगे, मैं दिखाता हूँ। ये है सुपर जी, बढ़िया है ना? ये गार्डियन एक्स के शो पर एक सुपर रेलगाड़ी हुआ करती थी जब मैं छोटा था। सुपर जी, वाओ। और सुपर जी मैं दोबारा देखूंगा, इस पर यकीन नहीं होता। अरे वाह, मैंने टीयो को इतना खुश कभी नहीं देखा। मैंने भी। गार्डियन एक्स। देखो, शुरू हो गया। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। रुक जाओ वहीं। हाँ? निकल गया। ये क्या? क्या गार्डियन एक्स? अब क्या करूँ मैं? हाँ? गार्डियन एक्स। ठीक है सुपर जी। चलो, अब हम तो ये ट्रेन सुपर जी है। वाह सुपर जी, बूस्टर रफ्तार बढ़ाओ। डीजल, तुमने वो देखा? सुपर जी कमाल का है। वाह, सुनो दोस्तों, इस हफ्ते के आखिर में मैं सुपर जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कैसे टियो? मैंने फैन मीटिंग के लिए अपना नाम डाला था और देखो मैं जीत गया। कितना मजा आएगा। तुम किस्मत वाले हो टियो। हाँ, ये तो सपना सच होने जैसा है। देखो, सुपर जी फिर से आ गया। कुछ दिनों बाद टीटीपो और डीजल अपने काम के बाद घर लौट रहे थे।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुपर जी बहुत ही शानदार रेल है? बिल्कुल, उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत है। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। सुपर जी बूस्टर, रफ्तार बढ़ाओ। मुझे नहीं हरा पाओगे, चलो बूस्टर रफ्तार बढ़ाओ। सुपर जी तेज चलो। हाँ, एक मोड़ आ गया। नहीं, अरे ये क्या हुआ? टीटी पो और डीजल तो गिर गए। उसी समय टेओ सुपर जी से मिलने के लिए निकल रहा था। आखिरकार टेओ। फिक्स, बताओ क्या हुआ है? एक दुर्घटना हो गई है। क्या? हाय टेओ। हाय फिक्स। लो संभालो इनको। ठीक है, शुक्रिया। टिटिपो, डीजल, तुम कैसे पलट गए? हम दोनों दौड़ लगा रहे थे इसलिए गिर गए। माफी चाहते हैं। सुपर जी, टेओ, क्या तुम सुपर जी से मिलने जा रहे थे? हाँ। हमारी वजह से जा नहीं पाए। मुझे बुरा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं अगली बार चला जाऊंगा। बस एक मिनट के लिए रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। बेचारा टेओ। टेओ की वजह से टीटीपो और डीजल ठीक होकर वापस शहर आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि टेओ बहुत निराश होगा। हाँ जानता हूँ, उसका मुँह एकदम से उतर ही गया था। काश हम किसी तरह से उसे खुश कर पाए। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। बताओ मुझे। हम एक नाटक करते हैं, सुपर जी का नाटक, सिर्फ टेओ के लिए। नाटक? मुश्किल लगता है ये तो। हम ऐसी रेल ढूंढेंगे जो सुपर जी जैसी दिखती हो, और कपड़े एंडी तैयार कर देगा। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो बताओ सुपर जी कौन बनेगा? अगर मुझसे पूछते हो तो टोनी को बनना चाहिए। और थंडरबोल्ट का रोल कर सकता है स्पीड। और गार्डियन एक्स के लिए हैना कैसी रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी वो। तो ठीक है, कल से तैयारी शुरू करते हैं। मजा आएगा। टेओ को ये बहुत पसंद आएगा। चूजू शहर में अगला दिन। तो एंडी, कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए कि सब गार्डियन एक्स के कैरेक्टर जैसे नजर आए। गार्डियन एक्स के कैरेक्टर जैसे कॉस्ट्यूम बनाने हैं? हाँ, हम तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सब है कहाँ? बस आते ही होंगे। डीजल। टीटीपो। हेलो एंडी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो। लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? टोनी कहाँ है? टोनी को अचानक से काम पर जाना पड़ा, इसलिए मैं दूसरी रेल लेकर आया। अच्छा, किसे साथ लेकर आए हो? बहुत दिनों बाद दिखे डीजल। मिस्टर स्टीम। हेलो सर। अरे ये क्या है? मिस्टर स्टीम तो बिल्कुल भी सुपर जी जैसे नहीं दिखते। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी सब काम पर है। पता नहीं है ना स्पीड को इतनी देर क्यों लग गई। हार्ट। माफ करना, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई। मैं भी आ गई हूँ। स्पीड कहाँ है हैना? स्पीड उसको कहीं जाना था इसलिए वो नहीं आ पाया। क्या? इसलिए मैंने इसको कहा आने के लिए। क्या काम चल पाएगा? हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। टीटीपो, टीटीपो। टीटीपो और डीजल टेओ को लेकर ऑडिटोरियम में आए हैं। ठीक है, अब मैं आ गया। दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। हमें बहुत बुरा लगा कि हमारी वजह से तुम सुपर जी से नहीं मिल पाए। इसीलिए तुम्हारे लिए हमने कुछ खास तैयार किया है। खास? क्या है वो? अभी पता चल जाएगा। अब तुम शुरू कर सकते हो। शुरू? सुपर जी आ गया। हाय सुपर जी। हेलो हार्ट। ओ नहीं, मेरा मतलब थंडरबोल्ट। सुपर जी, पृथ्वी का दुश्मन भाग गया है, वो बचकर निकल जाएगा। जल्दी करो, हमें उसका पीछा करना होगा। जल्दी आओ, हम पीछा करते हैं। हाँ, उप्स, मेरा मास्क।
गार्डियन, जल्दी करो। हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। अरे सब गड़बड़ हो गई। सुपर जी, जल्दी चलो। अगले दिन चिटीपो काम के बाद चूचू शहर वापस आ रहा था। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। हाँ चिटीपो, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत उदास लग रहे हो। हाँ। टीओ के लिए जो नाटक तैयार किया था वो बेकार गया। आ, अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। चिटीपो, हेलो डीजल। एक बढ़िया खबर लाया हूँ। अच्छा बताओ क्या है? उस तरफ गार्डियन एक्स की शूटिंग चल रही है और वहाँ सुपर जी भी है। क्या सच में? हाँ, अगर हम अभी वहाँ जाएं तो हो सकता है टीओ सुपर जी से मिल पाए। वाह, कितना अच्छा होगा ना। चलो टीओ को लेने चलते हैं। हाँ। हम क्या सुपर जी यहाँ पर शूटिंग के लिए आया हुआ है? हाँ, अगर जल्दी जाए तो मुझे विश्वास है तुम उससे मिल पाओगे टीओ। और वो तुम हम पर छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। टीटीपो और डीजल टीओ को सुपर जी से मिलवाने ले जा रहे हैं। हम हैं ना हारने वाले गार्डियन एक्स। उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। रुक जाइए प्लीज। ये रास्ता क्यों बंद है? रुक जाइए। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आप आगे नहीं जा सकते, वापस जाना होगा। लेकिन क्यों? हम खतरनाक सीन शूट कर रहे हैं, किसी को चोट ना लग जाए तो कोई और रास्ता ले लीजिए। किस्मत ही खराब है। हमने कोशिश तो की ना, चलो अब घर वापस चलते हैं। ठीक है। रुकिए। सॉरी, एक सवाल था। यहाँ आसपास कोई जगह है जहाँ ट्रेन ठीक होती है? बताइए, मैं एक मैकेनिक हूँ, किसी तरह की परेशानी है क्या? वाह शुक्र है, हमारे शो की एक ट्रेन अचानक खराब हो गई है। आपके शो में काम करने वाली रेल? आपका मतलब सुपर जी? वो अचानक से रुक गया और तब से चल ही नहीं रहा है, और किसी को नहीं पता कि क्या खराबी है। क्या आप बता सकते हैं सुपर जी कहाँ पर है? हाँ, यहीं से ऊपर जाकर। ठीक है, धीरे धीरे जाइए प्लीज। टीटीपो चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। सुपर जी जल्दी ठीक हो जाए। टीओ सुपर जी की जांच कर रहा है। शुक्र है कुछ ज्यादा बड़ी खराबी नहीं है, बस कुछ ही चीजें ठीक करनी होंगी। चलो शुक्र है, मुझे लगा था मैं शूटिंग पूरी ना कर पाऊँ। चिंता मत करिए जी, मैं आपको चुटकियों में ठीक कर दूंगा। बढ़िया, मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। टीओ कमाल का है ना? अब आप ठीक हैं, चलने की कोशिश करिए। मुझे पंख जैसा हल्का लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं शूटिंग पूरी कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए, आपकी मदद करना सम्मान की बात है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखिए ये रहा सबूत। अरे वाह, ये तो बहुत पुराना है। मैं बचपन से ही आपका फैन हूँ, और मुझे आप इतने ज्यादा पसंद थे कि आज मैं एक ट्रेन मैकेनिक बन गया हूँ। सम्मान तो मुझे मिला है तुमसे। चिटीपो, डीजल, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, आखिरकार मैं सुपर जी से मिल ही गया और उनकी मदद करने का मौका भी मिला। देखो ठीक है, लेकिन शुक्रिया सिर्फ मुझे कहो। तुम्हें? हम दोनों ने ये सब मिलकर किया था। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने बचपन के हीरो सुपर जी से मिलना टीओ के लिए सपना सच होने जैसा था। मैनी और बर्नी फिल्मी सितारे हैं। काम पूरा करने के बाद बर्नी वापस चूचू शहर आ रहा है। मुझे जल्दी चलना चाहिए ताकि गार्डियन एक्स देख सकूं। रुको। किसने आवाज दी? हाय दोस्त। गार्डियन एक्स, क्या मैं तुमसे एक मिनट बात कर सकता हूँ जरा? जरूर, जितनी देर चाहे कर सकते हैं। क्या तुम फिल्म में काम करना पसंद करोगे? क्या कहा, फिल्म में? गार्डियन एक्स की नई फिल्म में एक मालगाड़ी भी है, और तुम बिल्कुल सही रहोगे। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल, कल सेट पर आ जाओ तुम और ऑडिशन दे दो। ठीक है, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। बढ़िया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है बर्नी। अच्छा नाम है, चलो तो कल मिलते हैं बर्नी। ठीक है। वाह, सच में तुम गार्डियन एक्स से मिले? उसने मुझे सेट पर बुलाया है। बधाई हो बर्नी,
इसका मतलब अब उनके साथ फिल्म में काम करोगे तुम? फिलहाल मुझे कोई रोल तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ मैं ऑडिशन जरूर दूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हें रोल मिल जाएगा। मेरी एक मदद कर दोगे प्लीज तुम? जरूर। हौसला बढ़ाने के लिए साथ चलोगे? मैं घबरा रहा हूँ। अरे क्यों नहीं, भाई होते ही किस लिए है। शुक्रिया मैनी। हाय दोस्तों। हेलो जेनी। हेलो मैनी बनी। तुम हो मैनी और तुम हो बनी, सही कहा ना? गलत। क्या? देखो मैं मैनी हूँ और मैं हूँ बनी। फिर चूक गई, सॉरी, मैं अभी तुम दोनों को पहचान नहीं पाती। जरा ध्यान से देखो, हमारा रंग थोड़ा सा अलग है। हमारी धारियां भी अलग हैं। वो ठीक कहा। खैर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? पता है गार्डियन एक्स ने मुझे अपनी फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया है। मैं इसकी हौसला अफजाई करने जा रहा हूँ। वाओ सच्ची, अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक बनी। शुक्रिया तुम्हारा। अगले दिन मैनी और बर्नी गार्डियन एक्स के ऑडिशन के लिए गए। वाओ, वो रहा गार्डियन एक्स। सामने ही नजर आ गए। कैसे हैं गार्डियन एक्स? मैं हूँ बर्नी। ओ, आ गए तुम। वाओ, तुम दोनों तो एक जैसे लगते हो। हाँ, सर ये मेरा जुड़वा भाई है मैनी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय मैनी, मुझे भी अच्छा लगा। बर्नी अगर रेडी हो तो ऑडिशन शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम ये कर सकते हो बर्नी। शुक्रिया। और अब फिल्म का ऑडिशन शुरू हो रहा है। ठीक है, कैमरा तैयार है। तुम ये कर सकते हो बर्नी। तैयार, एक्शन। अरे नहीं, फिर से बचकर निकल गया। गार्डियन एक्स, जल्दी से आ जाओ मुझ पर। कट। बर्नी, क्या तुम थोड़ी भारी आवाज में ये शॉट दोबारा दे सकते हो? ठीक है। टेक टू। रेडी, एक्शन। अरे नहीं, वो फिर से बचकर निकल गया। गार्डियन एक्स, जल्दी से आ जाओ मुझ पर। कट। ये अच्छा है लेकिन इसकी आवाज ठीक नहीं है। ये शायद कर ले। बर्नी जी कहिए। वो जो वहाँ खड़ा हुआ है वो तुम्हारा भाई है ना? हाँ सही कहा आपने, वो मेरा जुड़वा भाई मैनी है। अच्छा मैनी। मैनी, क्या कहते हो, तुम एक्टिंग करना चाहोगे? क्या मैं? ठीक है, तैयार, एक्शन। गार्डियन एक्स, आ जाओ मुझ पर। क्या बात है मैनी, तुम्हारी आवाज कमाल की है। तो ठीक है मैनी, ट्रेन का रोल तुम्हारा हुआ। क्या, लेकिन ये रोल तो हाँ? लेकिन ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बात सुनो बर्नी। क्या है? माफ कर दो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। बर्नी तुम एक और ऑडिशन की बात क्यों नहीं कर लेते? मैनी अब जाने भी दो, इस रोल को तुम ही करो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। छोटी रेलगाड़ियां काम से लौटी तो उन्हें फिल्म में एक्टिंग के लिए मैनी के चुने जाने का पता चला। हाय दोस्तों, मैं आ गई। हाय जेनी। तुमने सुना, गार्डियन एक्स की नई फिल्म में मैनी भी है। मैनी? हाँ, ये गार्डियन एक्स के साथ एक्टिंग कर रहा है, ये कितना किस्मत वाला है ना? अजीब बात है, ऑडिशन तो बनी का था, फिर मैनी को रोल कैसे मिल गया? मैनी, क्या तुम हमारे लिए गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ला दोगे? मुझे गार्डियन एक्स और मैनी दोनों के ऑटोग्राफ चाहिए। सुनो दोस्तों, माफ करना लेकिन मैं मूवी में काम नहीं करने वाला। क्या? क्यों? क्योंकि एक्टिंग में मजा नहीं आएगा। भला मजा क्यों नहीं आएगा? तुम गार्डियन एक्स के साथ फिल्म में काम करोगे तो ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा। सॉरी लेकिन नहीं मिलेगा। क्या ये बर्नी की वजह से? टिटीपो टिटीपो। मैनी बस भी करो, अब तुम ही करो ये रोल। मुझे तो खुश होना चाहिए था, मैनी के साथ मेरा ये बर्ताव अच्छा नहीं था। ये तो मैनी है। ये क्या, जेनी ने एक बार फिर बर्नी को मैनी समझ लिया। हाय जेनी। बर्नी की वजह से छोड़ रहे हो? क्या? बर्नी के लिए बुरा लग रहा है इसलिए फिल्म नहीं कर रहे हो क्या?
लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो बर्नी को और बुरा लगेगा। क्या सच में मैनी मेरी वजह से वो मूवी छोड़ रहा है? ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। ये क्या? अरे ये तो बर्नी था। फिर से मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। मैनी। ओ, 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 बर्नी। क्या तुम सच में गार्डियन एक्स की मूवी छोड़ने वाले हो? हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैनी, क्या तुम मेरी वजह से ये फिल्म नहीं कर रहे? ऐसा किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो फिल्म जरूर करो। सच कह रहे हो? माफी चाहता हूँ कि पहले मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था। बर्नी, पक्का ना? तुम्हें बाद में बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं लगेगा, वैसे भी तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। हाय दोस्तों। आओ जेनी। माफी चाहती हूँ बर्नी, मैं फिर से नहीं पहचान पाई और गलत बोल दिया। कोई बात नहीं जेनी, ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी वजह से मैनी फिल्म करने के लिए तैयार हो गया है। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। एक मिनट, तुम्हारी वजह से इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि थोड़ी देर पहले जेनी को लगा कि मैं मैनी हूँ और उसने मुझसे कहा कि बर्नी की वजह से मैं फिल्म नहीं कर रहा। आज मैनी की शूटिंग का पहला दिन है, बर्नी हौसला बढ़ाने आया है। बहुत अच्छे लग रहे हो मैनी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तैयार, एक्शन। अरे नहीं, वो बचकर निकल गया, अब मैं क्या करूँगा? गार्डियन एक्स। हाँ? या, आइए मुझ पर। शुक्रिया। जल्दी चलो। जी सर। कट। ओ, बहुत बढ़िया। मैनी, बहुत बढ़िया किया, शुक्रिया। मैनी। हाँ? तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया। शुक्रिया बर्नी। मैनी, तुमने कमाल का काम किया, बस कल भी ऐसे ही मेहनत करना। हाँ बिल्कुल सर। कल तुम्हें एक स्टंट डॉग के साथ काम करना है। पहले मैं डॉग को बचाऊंगा, फिर तुम डॉग और मुझे लेकर भागोगे। क्या, क्या, क्या कहा डॉग? ओ बर्नी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे डरो मत, वो डॉग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। प्लीज, मेरी जगह ये सीन तुम कर लो। अब मुझे डर लगता है तो लगता है, पर इस रोल के लिए मेरी आवाज सही नहीं है। अरे हाँ, समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा मैनी। हाय दोस्तों। वो। तुम्हारी पहचान का तरीका पता चल गया। तरीका? हाँ, तुम्हें पहचानने का तरीका जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती। तो क्या है वो तरीका? तुम दोनों की आवाज। हमारी आवाज? हाँ, मैनी की आवाज तुमसे भारी है। हेलो, मैं हूँ मैनी। बर्नी की आवाज पतली और सुकून देती है। हाय, मेरा नाम है बर्नी। तुम बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन तुम्हारी आवाजें बिल्कुल अलग अलग हैं। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारी आवाजें अलग हैं। मैनी, चिंता मत करो, समझ आ गया कि हम कल का सीन कैसे शूट करेंगे। अच्छा, तो कैसे करेंगे बताओ? कल सीन में हम दोनों ही शामिल होंगे। दोनों? जेनी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस बात का? चलो चलो चलो, सब कुछ तैयार है? साइलेंस, काम शुरू हो रहा है। तैयार, एक्शन। गार्डियन एक्स, जल्दी करो, मैं यहाँ पर हूँ। जल्दी चलो, डॉग बहुत घायल है। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आराम से बैठिए, मैं सुरक्षित आपको अस्पताल ले जाऊंगा। तो सीन में डॉग के साथ है बर्नी और आवाज है मैनी की। कट। बढ़िया, बहुत बढ़िया सीन। वाओ, बहुत बढ़िया। बर्नी, कमाल कर दिया। शुक्रिया गार्डियन एक्स। बर्नी, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुमने। नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने कमाल किया। दोनों ने किया, तुम एक बहुत अच्छी टीम हो। डॉग, इस डॉग को मुझसे दूर ले जाओ प्लीज। आखिरकार गार्डियन एक्स की वो फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें मैनी और बर्नी ने काम किया है। अरे वाह, ये तुम हो। जल्दी करो, मैं यहाँ पर हूँ। अब जल्दी चलो, डॉग बहुत घायल है। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, आराम से बैठिए, मैं आपको सुरक्षित अस्पताल ले जाऊंगा। अरे वाह, ये आवाज है मैनी की। इसका मतलब मैनी और बर्नी दोनों फिल्म में हैं। क्या एक्टिंग की है, एकदम असली एक्टर जैसी। जुड़वा मालगाड़ियां मैनी और बर्नी फिल्मी सितारे बन गए हैं। दोनों को बधाई हो।